तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि खेला होवे, तब इनके दल में ही खेला शुरू हो गया है। लालच की कोई प्रकाष्ठा होती नहीं है, चुनाव का समय है, लोग आवागमन में विश्वास करते हैं, इसको 2024 के चुनाव के बाद में चुनाव करानवाना ही नहीं है। भाजपा अगर लोकसभा का टिकट देगी तो मैं सोचूंगी। अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो वो तो राहुल जी से बड़ा है ही है। हम लोग तो किसी को तोड़े नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि खेला होवे, तब इनके दल में ही खेला शुरू हो गया है। हम लोग इनको एक खिलौना देते जा रहे हैं कि तो खेलते रहिए। और ये कौन कौन संकल्प यात्रा पर निकले हैं तो पहले लोगों को बताना चाहिए कि 1990 से 2005 का जो दौर था, माता पिता का जो राज था वो बताना चाहिए कि कितना घोटाला हुआ, जमीन लेके नौकरी दिया गया, अनेकों अनेक घोटाला, चारा घोटाला हुआ, अपराधी कैसे अन्य मार्ग में शरण लेते थे। आज अन्य मार्ग में नीतीश कुमार जी के राज में अपराधी अगर अपराध करता है तो उसको पता से ही खोल दिया जाता है। ये आने वाला चुनाव में बिहार की जनता जवाब दे देगी। हमको अपने पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी के सिंबल पे मैं विधायक बनी हूँ और हम अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से यही कह रही हूँ कि मुझे भी सांसद बनने का मन कर रहा है, हमको भी नवादा से कांग्रेस टिकट दे। भाजपा अगर लोकसभा का टिकट देगी तो मैं सोचूंगी। अब यहाँ के बड़े बड़े नेता जो पाला बदल लेते हैं तो हम छोटा लोग भी समय आएगा तो कुछ करें। आपकी राहुल गांधी से ज्यादा बड़ा व्यक्तित्व मोदी जी का है? अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो वो तो राहुल जी से बड़ा है ही है, इसमें कहने की क्या बात है। टिकट की मांग कर रही है, किसी से बातचीत हुई है आपकी? किसी से हमको बातचीत नहीं हुई है, मीडिया के माध्यम से मैं यही कह रही हूँ कि हमारा जिला हमेशा बाहरी सांसद बना है। इस बार हमारे जिला का डिमांड है कि लोकल उम्मीदवार, हमारा अपना उम्मीदवार एनडीए से हो चाहे इंडिया से हो, जो पार्टी हमको टिकट देगी उसका मैं समर्थन। सबसे बड़ा वजह क्या आपको कांग्रेस छोड़ के बीजेपी आने का? कोई वजह नहीं है, पार्टी हमको संतावना दे रही है कि लोकसभा का आपको उम्मीदवार बनाया जाए। पता नहीं अब किस कारण से जा रहा है, हम नहीं जानते हैं और नहीं जाना चाहिए इस तरह से। और जिस पार्टी का दामन आपने थामा है फिर आप नहीं वापस आइएगा, ये भी मैं कह रहा हूँ। नेतृत्व पर भी सवाल है? नहीं नहीं, कोई नेतृत्व पर सवाल नहीं है। इसको डिफाइन करेंगे कि लालच की कोई प्रकाष्ठा होती नहीं है, चुनाव का समय है, लोग आवागमन में विश्वास करते हैं, वैचारिक पटल मजबूत नहीं होता है, पैसा को देख करके दिमाग खराब हो जाता है, तो यही उसकी मिसाल है ये सब। पहले कांग्रेस फिर आरजेडी, क्या अगला नंबर किसका होगा? ये मिसाल है, अगला नंबर तो भारतीय जनता पार्टी पास होगा ना, कहाँ है किसका है, क्योंकि ये चीज़ें तो विश्वास पे चलती हैं और विश्वासघाती लोग इस तरह से घात लगा करके तमाम रिसोर्सेज का, टिकट का इस्तेमाल करती हैं। पद प्रतिष्ठा पाने के बाद अगर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसको क्या कहा जाएगा, ये क्या इसको मतलब गंदी राजनीति कहेंगे? नहीं, गंदी राजनीति तो गंदी भ्रष्ट लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने वाली, और भाजपा इस तमाम खेल में शामिल रहती है, उसको कोई मतलब नहीं है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे। इनकार नहीं कर सकते हैं क्या कि भाजपा आने वाले दिनों में जेडीयू को भी तोड़ सकती है? हाँ, जेडीयू को भी तोड़ सकती है। अरे वो कुछ भी कर सकती है, उसको 2024 के चुनाव के बाद में चुनाव करानवाना ही नहीं है। तो वो जिस लिहाज से आगे बढ़ रही है तो वो तो खतरा मंडला रहा है हमारे एक जो पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इस देश में, पक्ष है, विपक्ष है, आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, सबको सुला देना चाहती है वो। इसका खमियाजा देश की जनता को ही भुगतना पड़ रहा है ना, कल को कोई विपक्ष, कोई आवाज़ नहीं रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।